جي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، आज हम इंशाल्लाह हमने जो लास्ट टाइम मरातिब सहीह यानी सही हदीस के जो मरातिब हैं, कुछ लेवल्स हैं, उनका जिक्र किया था। जिस पे हमने बात की थी वो हदीस जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम मुत्तफिक हों उसके ऊपर, दोनों ने रिवायत किया हो। फिर एक वो है जिसको सिर्फ इमाम बुखारी ने रिवायत किया हो, एक वो है जिसको सिर्फ इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया हो। ऑब्वियसली जब दो स्कॉलर्स मिल जाएं किसी एक हदीस की सिकाहत पर या उसकी ऑथेंटिसिटी पर, तो वो हदीस नेचुरली फिर जो है उसके बारे में ज़्यादा इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो शेखैन की शर्त पर हो लेकिन उन्होंने उसे रिवायत ना किया हो, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की कंडीशन जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक तो हो लेकिन उन्होंने उस हदीस को जिक्र ना किया हो, चौथा स्टैंडर्ड वो है। पांचवा जो है जो सिर्फ इमाम बुखारी की शर्त पर हो, छठा है जो सिर्फ इमाम मुस्लिम की शर्त पर हो, सातवां जो दूसरे अइम्मा की शराइत पर मौजूद हो। तो ये कुछ लेवल्स हमने जिक्र किए थे। अब हम चलते हैं, और ये भी मैंने आपको वजाहत की थी कि इमाम बुखारी और मुस्लिम की जो शराइत है उस हवाले से उन्होंने कोई अपनी शराइत को बहुत स्पेसिफिकली नहीं जिक्र किया कि मेरा स्टैंडर्ड ये है, ये चीज़ें मैं देखता हूँ किसी हदीस को कबूल करने से पहले। हाँ, उलमा ने जो हदीसें उन्होंने जिक्र की हैं उनके ऊपर तदब्बर किया, गौर व फिक्र किया, और उस पर उसके बाद गौर व फिक्र करने के बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स वो डिराइव किए और उनको कहा कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जिनको वो सामने रखा करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसके अंदर भी इख्तलाफ हो सकता है। जाहिर है वो एक इज्तिहादी अमर है, वो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद इसको वाज़ेह तौर पर क्लियरली चीज़ को मैंशन नहीं किया, तो हम उसके बारे में हतमी तौर पर कोई बात नहीं कर सकते। इसलिए बाज़ उलमा का आपस में इख्तलाफ भी हो जाता है। फिर हमने हसन लिजाती ही पढ़ा था। चलें जी, मुझे सबसे पहले सिस्टर फाइका आप बताएं, सिस्टर फाइका आप बताएं कि हसन लिजाती ही कौन सी हदीस होती है। सर असल लजाती सर मैंने एक दफा पढ़ना था, थोड़ा रिवाइज करने वाला। तो कोई और बता सकते हैं हसन लिजाती ही कौन सी हदीस होती है? एनीवन? नो नो वन। आप लोग इस तरह की जब बातें करते हैं तो फिर मेरा मुझे बड़ा परेशानी होती है, दुख भी होता है। इसलिए होता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं जो पढ़ा रहा हूँ और जो आप पढ़ रहे हो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इस तरह ना किया करें प्लीज, कुछ ना कुछ तो हौसला दें सर मुझे। एक्चुअली इन दिनों काम बहुत ज्यादा था तो बस ध्यान ही चले, नहीं, टाइम नहीं मिला पढ़ने कोई का कोई और और कहेगा, कोई और ध्यान करेगा, नहीं दे। कोई और करेगा, या मैं खुद पिक एंड चूज करूं? ये सिस्टर मुनज़्ज़ा आप बताएं जी, हसन लिजाती ही किस हदीस को कहा जाता है जी? सर सही हदीस जो है उसमें राबी की ज्यादा तादाद होती है और अच्छा, इसमें हसन में कम होती है। जी सिस्टर मुनज़्ज़ा माशाल्लाह, आपके भी अपने भी कोई उसूल है मुझे लगता है, उसूल हदीस है, क्योंकि ये वाला जो उसूल आपने जिक्र किया है ना, ये किसी ने भी जिक्र किया माशाल्लाह। लगता है आपने अपनी भी कोई किताब लिखी हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई और बताएंगे जी। सिस्टर रोशान आप बताएं, हसन निजाती ही कौन सी है? सर मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। सर अरे माशाल्लाह, उम्मे आयशा आप बताएंगे। मैंने भी नहीं पढ़ा। अल्लाह हू अकबर जी। सिस्टर सोनिया आप बताएं, असली जाति की कौन सी हदीस होती है? अच्छा, आप ये बताएं कि सही हदीस उसकी कौन सी कंडीशंस होती है? पांच कंडीशंस जिक्र कर रहे हैं। पांच कंडीशंस कोई बता सकता है? अल्लाह अकबर, अच्छा मैं रिवाल। बता दूं, यह हसन लिजाती की दोबारा वो मेरे जब्त का है, इसमें थोड़ा ना हो कि जब्त थोड़ा जो है वो कम हो। ठीक है, तो ये कौन सी रीस हो जाती है जिसका ये जब्त हसन है? लिजाती हसन ली जाती है, और फिर सही दी गई रही कौन सी होती है? सही लगेरी ही जो हसन लिजाती ही से थोड़ी ऊपर है। हाँ, किस तरह ऊपर होती है वो? किस तरह ऊपर होती इसी वजह से ऊपर होती है ना, वो ऊपर वाले दर्जे पर पहुंचती है। किस तरीके से पहुंचती है? जब्त अच्छा होता है फिर उनका? यही है ना कि इसमें जब्त थोड़ा कम है तो उसमें जब्त अच्छा है।
असल में मैंने आपसे ये कहा था कि सही ली गई ही वो हदीस होती है, जब हसन ली जाती ही हदीस, वो हदीस हसन ली जाती ही और अपनी असनाद की वजह से और संदों की वजह से जो ज्यादा यानी दूसरी संदों की वजह से वो ज्यादा तकवीयत मिल जाती है उसको, ठीक है। वो ज्यादा संदें जब मिल जाती हैं आपस में तो उससे क्या होता है कि वो हसन दर्जे की जो हदीस है उसके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है, कुव्वत पैदा हो जाती है, और वो फिर सही लिगैरी ही बन जाती है, ठीक है ना। देखिए असल बात क्या है, हसन लिजाती ही क्यों निचले दर्जे की है, उसकी वजह यह है कि जो बंदा जो रावी है, एक रावी उसमें कोई एक रावी उसका जब्त जो है उसका हाफजा कमजोर है, लेकिन जब आपको और सोर्सेस के जरिए आपको पता चल जाए कि जी वो बात जो उसने कही है वो किसी और ने भी वो बात कही है और सनद के साथ भी वही चीज मनकूल हो, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको उस जो सनद है खासतौर पे जिसके अंदर कमी है वो क्या होगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी ना, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। लॉजिकल बात है, कॉमन सेंस वाली बात नहीं है। आप इसको मुझे लगता है थोड़ा सा ना कॉमन सेंस से हटा के सोच रहे हैं इसको। अगर आप ना बिल्कुल नेचुरल वे में देखें ना, बिल्कुल नेचुरली कि अच्छा हो क्या रहा है, सामने क्या चल रहा है, कि एक खबर है हम तक पहुंची है तो उसके अंदर पांच हमने स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, एक स्टैंडर्ड वीक हो गया है, लेकिन किसी और सोर्स के जरिए, किसी और जरिए हमें पता चल गया कि वो बात बिल्कुल ठीक है जो बात इन्होंने बताई है, तो उससे क्या होगा कि ये जो बात हम सुन रहे हैं जो हम तक पहुंची है उसकी एकदम मेयार क्या हो जाएगा, बुलंद हो जाएगा। डज इट मेक सेंस और नॉट, बताइए बताइए प्लीज। आपकी ये खामोशी, अल्लाहु अकबर, इस तरह के, जी, बताइए बताइए, आपको नहीं समझ आएगी वाली बात नहीं, क्वेश्चन की समझ नहीं है। जी, किसी और को समझ आइए। हमने लास्ट में बात की थी सही हदीस की शराइत के हवाले से, तो शराइत क्या थी, वो पांच कंडीशंस हमने जिक्र की थी। हमने कहा था किसी भी हदीस को हम सही तब कहेंगे जब उसको बयान करने वाले जो रुवात हैं, जो रावी हैं, जो नरेटर्स हैं, जो चेन ऑफ नरेशन है, वो पांच कंडीशंस को पूरा करेगी। पहली कंडीशन उसकी ये है कि वो हदीस को रिवायत करने वाले रावी जो हैं वो आदिल हों सारे। आदिल का मतलब ये है कि उनकी अदालत, उनकी क्रेडिबिलिटी पर किसी को कोई क्वेश्चन ना हो, सवाल ना हो, सवालिया निशान ना हो। मिसाल के तौर पे वो लोग नेक हों, झूठ बोलने वाले ना हों, अल्लाह से डरने वाले हों, फिस्क व फुजूर इख्तियार करने वाले ना हों। ये हमने पहली कंडीशन, जाहिर है एक बंदा अगर वो बददियानत है, एक बंदा धोखेबाज है, एक बंदा झूठा है, तो आप कभी भी उस बंदे की किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते, कुछ कजा ये कि आप उससे दीन की कोई चीज पूछें और उस पर आप रिलाई करें। तो पहली कंडीशन हमने कहा था कि वो आदिल हो रावी, दूसरा हो दाबित हो। जाबित का मतलब ये है कि उसका हाफजा भी अच्छा हो, जाहिर है क्योंकि उसने क्या करना है, उस हदीस को नरेट करना है आगे से, या इसी तरीके से जो उसने लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से वो बयान कर सके, उसको आगे नरेट कर सके। तीसरी चीज हमने ये बात की थी कि वो चेन जो है उसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए, इनकता नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है कि दरमियान के अंदर कोई ऐसा फासला ना हो जिसके मुताबिक, यानी जिसके जिसकी बेस पर हम ये अस्यूम करें दरमियान में कोई बंदा मिसिंग है जिसने इस हदीस को बयान किया है, उसके बारे में जाहिर जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो बंदा कैसा था, वो बंदा रिलायबल था भी कि नहीं, तो जाहिर है हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। चौथी कंडीशन ये थी कि उसके अंदर कोई मख्फी इल्लत ना हो, कोई छुपी हुई कोई ऐसी बीमारी ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो उस हदीस के अंदर जो बज़ाहिर तो ठीक लग रही हो लेकिन हकीकत में उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हम उस हदीस को कबूल ना कर सकें। और आखिरी कंडीशन क्या है, आखिरी कंडीशन जो पांचवी कंडीशन थी वो ये थी कि वो राविश वो रिवायत शाज ना हो। शाज का मतलब ये है कि उसको बयान करने वाली जो रावी हैं वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो नरेटर्स हैं उनकी मुखालफत ना कर रहे हो किसी भी एतबार से। तो ये पांच कंडीशन हमने जिक्र की थी। ये हदीस है जिसको हम हदीस सही लिजाती ही कहते हैं, जो अपनी जात के अंदर अपनी इंटरनल क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो हदीस सही करार दी जाती है। अब कुछ हदीसें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर तो सही नहीं होती इतनी स्ट्रांग, लेकिन किसी और रीजन की वजह से वो सही हो जाती हैं, जिसमें हमने मिसाल दी थी हसन लिजाती ही की। हसन लिजाती ही जो हदीस है ये वो हदीस है जो प्राइमरली कंडीशंस को पूरी करती है सारी, लेकिन एक कंडीशन खास तौर पे जिसमें जब्त है, रावी का हाफसा है, उसके कमजोर होने की बुनियाद पर ये सही से थोड़े से हल्के दर्जे यानी हसन दर्जे तक पहुंच जाती है हदीस ना, कि उसका जो जब्त है उस बंदे का वो थोड़ा सा कमजोर होता है। मैंने बार बार वजाहत की थी
कि इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा वहम लगना शुरू हो जाए और बंदा बिल्कुल ही अपनी मेमोरी को खो बैठे, फिर तो उसकी हदीस काबिले एतमाद ही नहीं रहेगी। नहीं, कुछ ना कुछ उसकी कम हो गई, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान बुढ़ापे के साथ साथ इंसान का हाफसा कमजोर हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से, उसकी वजह से इंसान को निस्यान होना शुरू हो गया, भूल होना शुरू हो गई। तो किसी ऐसी वजह से इंसान का ये नेचुरली उस बंदे का हाफसा इतना स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। तो ये जो है इसे कहते हैं हसन लिजाती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अब हसन लिजाती ही अगरचे इस बंदे का हाफसा इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कोई और एक सनद है, ठीक है ना, जिसके अंदर बिल्कुल यही वाली बात जिक्र की गई है, लेकिन उसको कोई और नरेट करने वाले हैं और वो लोग अथेंटिक और रिलायबल हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि चूंकि वो भी वही बात बयान कर रहे हैं जो ये बयान कर रहे हैं, तो नेचुरली इस बंदे की बात भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस में बढ़ जाएगा कि इस बंदे ने जो बात की है वो ठीक की है, क्योंकि दूसरी जगह से एक्सटर्नल रिसोर्सेज की वजह से, एक्सटर्नल एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर, या एक्सटर्नल रीजन की वजह से, या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये इस हदीस में भी काबिल ये इतमाद किया जा सकता है। यानी ये भी अब अपने हसन दर्जे से, हसन दर्जा भी काबिल इतमाद वाला दर्जा है, यानी आप उसको कबूल नहीं, हम उसको भी कबूल करते हैं, लेकिन ये अगर स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी हो गई, अब वो स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो सही निजाती ही तक पहुंच जाएगी, लेकिन उससे थोड़े से निचले दर्जे पे जिसे हम सही निगरानी कहते हैं वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आज जो हमारी है वो है, तो हमने तीन लेवल्स हमने कवर किए थे। पहले है सही निजाती, सही निजाती जिसके अंदर पांच कंडीशंस पूरी हों। सही गैरी वो हदीस है जो हसन लिजाती ही है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कुछ वजूहत की बुनियाद पर वो स्ट्रांग होके सही गैरी बन गई। उसके बाद हसन लिजाती ही है वो हदीस है जो के जिसके अंदर रावी के अंदर थोड़ा सा जब्त के अंदर कमी है, ठीक है। और अब आखिरी जो दर्जा है, जो चौथा दर्जा है, जिसको सही हसन लिगैरी ही कहते हैं, ये हदीस जो है इसको भी उलमा ने कबूल किया, अगरचे बाज उलमा बाज मुहदिसी ने इससे इख्तलाफ किया और वो इसको नहीं कबूल करते, लेकिन सही राय और मौकफ यही से महसूस होता है जो हमारे असातिज़ा का था कि ये हदीस भी काबिले यानी काबिले कबूल है। ये क्या है, ये बेसिकली ऐसी हदीस है जिसके अंदर ज़ौफ़ पाया जाता है, जो कमजोर हदीस है, ठीक है ना। एक हसन निजाती है, एक उससे भी निचले दर्जे की हदीस है, यानी इसमें वाकई ज़ौफ़ मौजूद है, कमजोरी मौजूद है, लेकिन कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से एक हसन निजाती ही सही लिगैरी तक पहुंच जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक ज़ईफ़ हदीस क्या करती है, वो क्या करती है, वो हसन लिगैरी ही के दर्जे तक पहुंच जाती है, जरा ऊपर दर्जे की पहुंच जाती है। तो बेसिकली एक ज़ईफ़ हदीस होती है, बाज़ उलमा कहते हैं ये ज़ईफ़ हदीस नहीं होती, असल में ये खबरें मुतवक्किफ़ होती है। खबरें मुतवक्किफ़ वो होती है खबर जिसके बारे में अभी उलमा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि ये सही है या ज़ईफ़ है, उस पर कोई हुक्म नहीं लगाया जाता, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, वो ज़ईफ़ हदीस होती है, वो ज़ईफ़ हदीस होती है, लेकिन उसके अंदर ज़ौफ़ इतना शदीद नहीं होता। याद रखिएगा ज़ौफ़ के भी दर्जे हैं, जिस तरीके से सेहत के दर्जे हैं ना, देखें एक है सही निजाती सबसे टॉप के दर्जे की, फिर एक है सही निगरानी उससे कम दर्जा, फिर एक है हसन लिजाती उससे कम दर्जा। तो कहते हैं इसी तरीके से जैसे हसन के या सही होने के दर्जे हैं, सही के मरातिब हैं, लेवल्स हैं, जाहिर डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव, इसी तरीके से ज़ौफ़ के भी दर्जे होते हैं, यानी एक एक हदीस बहुत कमजोर है, एक हदीस थोड़ी हल्की कमजोर है, तो उसके भी लेवल्स हैं। तो हसन लिगैरी ही ऐसी कमजोर हदीस जो इतनी ज्यादा कमजोर नहीं, एक तो है बिल्कुल झूठी रिवायत, अल्लाह माफ करे, वो तो आप झूठी रिवायत को जितने मर्जी एक्सटर्नल फैक्टर्स मिल जाए वो उसको कभी भी काबिले एतमाद नहीं बना सकते, जो झूठी रिवायत है वो झूठी रिवायत है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी है जिसमें ज़ौफ़ पाया जाता है, लेकिन ज़ौफ़ जो है वो इतना शदीद नहीं है, और उसकी बुनियाद पर क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ एक्सटर्नल असनाद मिलती हैं, संदे मिल जाती हैं, चेन्स ऑफ नरेशन और मिल जाती हैं जो उस हदीस से मिलती जुलती होती हैं, जो उस हदीस को स्ट्रेंथन करती हैं, और उससे क्या होता है वो हदीस अगले ऊपर के दर्जे को पहुंच जाती है और वो हसन लिगैरी बन जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि खबरें मुतवक्किफ़ बाज़ उलमा कहते हैं ये वो हदीस है जिसके बारे में अगर अगरचे तवक्कुफ है, इन उलमा अभी इस बारे में ये नहीं बता सकते कि वो सही है कि गलत है, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, सही हदीस जो है वो ज़ईफ़ हदीस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ी मशहूर हदीस आपने सुनी होगी जो आमतौर पर कवायद फ़िक़हिया के अंदर भी जिक्र किया जाता है, जिसको वो है ला बरर वला दिरारा, ठीक है ना, यानी अपने भाई को उसके हक में कमी कर देने वाला जरर पहुंचाना और पहुंचाई गई अजियत से ज्यादा जरर पहुंचाना जायज नहीं है, ठीक है ना, ला बरारा वला दिरारा, ये मशहूर हदीस है हमारे आमतौर पे, यानी किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जा सकता है, ये जितना नुकसान पहुंचा उससे ज्यादा ज्यादती नहीं की जा सकती, ये आमतौर पर हदीस हम जिक्र की जाती है। अब ये जो हदीस है ला बरारा वला दिरारा, बड़ी मशहूर हदीस है, ये हदीस जो है ये अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला से मरवी है, और इसको इमाम दारकुतनी ने और इमाम हाकिम ने रिवायत किया है। इस हदीस के कई तुरुक हैं, कई सनदे हैं, आसान अल्फाज में तुरुक आप कह सकते हैं कई सनदे हैं, लेकिन कोई भी नकद और जरा से सालिम नहीं है, यानी हर हदीस के ऊपर कुछ ना कुछ, हर चेन ऑफ नरेशन के ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ वीकनेस पाई जाती है। तो हसन लिगैरी ही बेसिकली वो हदीस होती है जो कि कुछ कमजोर हदीस से मिलके एक मीनिंग दे रही होती हैं
जिस मीनिंग के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस हमारा डिवेलप हो जाता है, और असर इसको क्या कहते हैं, हसन लिगैरी कहते हैं। अलबत्ता बाज़ तुरक बाज़ को तकवीत दे रहे हैं, इसलिए इमाम नवी और इमाम हाफिज बिन सलाह ने इसे हसन कहा है। तो होता यह है कि जो बाज यानी ज़ईफ हदीस है लेकिन उसका ज़ौफ़ इतना शदीद नहीं है, और इससे मिलती जुलती और भी ज़ईफ हदीसें हैं, मुख्तलिफ संदे हैं, वो सारी ज़ईफ हैं, कमजोरी है उसमें, लेकिन वो सारी मिल के क्या करती हैं, कुछ ना कुछ तकवीत उनको पहुंच जाती है और वो एक सर्टन लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी एक्वायर कर लेते हैं जिसकी बुनियाद पर हम उसको काबिल एतमाद समझते हैं। ठीक है ना, तो ये चार दर्जात उलमा ने जिक्र किए हैं। पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सही हदीस वो है जिसके अंदर पांच कंडीशंस पूरी होती हैं। अभी आपको देखें ज्यादा देखें, अगर आपको ज्यादा कंडीशंस की समझ नहीं भी आ रही कोई बात नहीं, बस आपके जहन में वो अल्फाज होना चाहिए और मोटा मोटा मफहूम होना चाहिए, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, पांच कंडीशंस पूरी हों वो सही भी जाती ही है। उसके बाद सही ली गैरी ही वो हसन ली जाती ही हदीस है जिसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या कुछ और तुरुक की वजह से, कुछ और असनाद की वजह से वो क्या होती है, स्ट्रेंथन हो जाती है और वो हसन ली जाती से ऊपर होकर सही ली गैरी तक पहुंच जाती है। लिगैरी का मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो सही हुई है, खुद सही नहीं है। लिजाती का मतलब है अपनी जात की वजह से सही है, और लिगैरी ही अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सही है। और फिर हसन लिजाती जो अपने जात की वजह से हसन है, हसन का मतलब है काबिल एतमाद है, बिल्कुल रिलायबल है। उसके अंदर क्या होता है कि एक बंदे का जो एक रावी का जब थोड़ा खफीफ होता है, कमजोर होता है, लेकिन इतना कमजोर नहीं होता कि बिल्कुल हम उसको ज़ईफ़ करार दे दें। ठीक है, और हसन लिगैरी क्या होता है, वो कुछ ज़ईफ़ हदीसें होते हैं जो मिलके कुछ ना कुछ एक लेवल तक पहुंच जाती है, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करती है, एक दूसरे को स्ट्रांग कर देती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप जैसे एक ना रस्सी की मिसाल ले लें, अगर एक धागा कमजोर है तो उसी तरह का एक और धागा हो, तीन चार कमजोर धागे हों, लेकिन अगर आप उनको आपस में मिला लें और उसको आपस में ये जोड़ लें और उनको मिला के एक इकट्ठा कर लें, तो उससे क्या होता है कि वो मजबूत हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप जहन में रखें तो होता ये कि चेन्स ऑफ नरेशन है, चेन्स है, चेन्स का मतलब ये है कि जंजीरें हैं। ठीक है ना, मिसाल के वो कमजोर हैं लेकिन वो दो तीन जंजीरें मिल गई आपस में और वो एक ही हदीस को बयान कर रही है, तो अब क्या हुआ, कुछ ना कुछ एतमाद हमारा डिवेलप हो गया और हमने उसको कबूल कर लिया। बाज़ उलमा इसको नहीं कबूल करते, वो कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस ऐसे ही है जैसे 0+0+0+0+0+0, यानी इन अदर वर्ड 0+0+0+0 क्या होता है, जीरो ही होता है। वो कहते हैं ज़ईफ़ हदीस बिल्कुल किसी खाते की नहीं होती, हम उसको कोई ना कोई लेवल भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए बाज़ उलमा हसन लिगैरी को कबूल नहीं करते। लेकिन मैंने आपको बताया कि जमहूर उलमा ने इसको कबूल किया है, अक्सर उलमा इसके ऊपर एतमाद भी करते हैं, लेकिन अगेन शर्त यह है कि वो ज़ौफ़ ज्यादा कमजोर ना, या आगे तफसीर है कि वो ज़ौफ़ कितना ना हो, ये पूरी तफसीलात हैं, वो अभी आपको भी शायद अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर तफसील मौजूद है। लेकिन जनरली कि ज़ौर ज़ौर खफीफ हो, यानी उसके अंदर कमजोरी जो है वो खफीफ हो, ये ना हो कि वो अल्लाह माफ करे मन घड़त रिवायात हो। मन घड़त रिवायात बेशक हजार भी मिल जाए, हजार मन घड़त रिवायात मिल जाए तो वो कभी भी एक दूसरे को स्ट्रेंथन नहीं कर सकती। हाँ, कुछ कमजोरी हो, कुछ ना कुछ वीकनेस हो किसी वजह से, लेकिन दूसरी हदीसें वो भी वीक हैं और वो सारी मिलकर आपस में एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रही हैं, तो क्या हो रहा है कि उससे क्या होता है कि हदीस थोड़ी सी सेहत की एक, यानी वो अब कमजोरी से, यानी एक है खबरे मकबूल, एक है खबरे मरदूद। खबरे मकबूल कहते हैं जिस हदीस को हम कबूल करते हैं, और खबरे मरदूद वो होती है जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ज़ईफ असल में खबरे मरदूद है, वो रिजेक्टेड हदीस है, लेकिन जब कुछ ज़ईफ हदीसें मिल जाती हैं तो वो मरदूद की कैटेगरी से निकल के अब मकबूल की कैटेगरी में शामिल हो जाती हैं, और उसके हल्के तरीन दर्जे में, सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर जिसको हम हसन लिगैरी कहते हैं, उसमें शामिल हो जाती है। कुछ समझ आई? ये जो आई वो भी चली गई माशाल्लाह, मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स माशाल्लाह छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा कि इतना गहरे लेक्चर हो रहा है हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही माशाल्लाह जी। एनीवन? जी सर, आ रही है समझ? माशाल्लाह फिर आ रही है, तो आप लोग बताया भी तो करें ना, जब मैं आपसे पूछता हूँ तो इतनी मुझे परेशानी होती है, आप लोग बताते ही नहीं है। आगे चलते हैं जी, अब जरा चीजों को ना बहुत सिंपल हो गई है, जरा कॉम्प्लेक्स बनाएं आपकी इजाजत से, है क्या कहते हैं जी? अभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी आपको मैं और कम्प्लेक्स, अभी मैं आपकी हसन और जयीफ की सारी कैटेगरीज को गलत बात कर दूं अगर आप कहें तो। अच्छा तो ये तो मैं आपको, सर्वाइवर में पता लगेगा कि क्या होगा हमारे चले साथ। चले मैं आपको एक टीजर और एक ट्रेलर देता हूँ। ट्रेलर और टीजर ये है कि जी इमाम तिरमिजी जो है वो अब हसन और सही जब वो कहते हैं तो उनके मफाही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो क्या होते हैं अब वो मैं आपको बताने लगा। ठीक है ना, असल मसला ये है कि ये जनरली उलमा ने ये कैटेगरी जिक्र तो की है, लेकिन माशाल्लाह हमारा दीन जो है ना वो आज़ादी को माशाल्लाह प्रमोट करता है, तो आज़ादी जो है ना उलमा जरूरी नहीं है कि वो, उन्होंने अपनी भी टर्म्स कुछ बनाई होती हैं और वो जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं स्ट्रिक्ट कैटेगरीज को फॉलो करें, उन्होंने अपनी भी कुछ टर्म्स बनाई। इमाम तिरमिजी खासतौर पर
जो जामे तिर्मिजी है, बहुत बड़े इमाम है, यानी हदीस के अंदर इनका कोई छोटा दर्जा नहीं, बहुत बड़ा दर्जा है। ये बेसिकली इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, इमाम तिर्मिजी जो है ना इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। तो इमाम तिर्मिजी जो है ना उनकी ना इस्तलाहात है। अब अगर आप सुनन तिर्मिजी पढ़ेंगे ना तो वहां पे हसन वो ना कुछ टर्म्स को अजीबो गरीब मिला के इस्तेमाल करते हैं, तो वो वजाहत उलमा ने की हुई है ताकि पता हो, और आपको इसलिए क्योंकि अब माशाल्लाह आप ये पढ़ रहे हैं, तो जब हम कहते हैं ना हसनहु तिर्मिजी, इमाम तिर्मिजी ने इसको हसन कहा है, कई जगह पे इमाम तिर्मिजी ना दो बजाहिर बजाहिर दो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर अजीब सा सवाल पैदा होता है कि जी ये इन्होंने क्या किया, तो उसका मफहूम क्या है, उसका मफहूम क्या है, तो वो मैं आपको वजाहत करता हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह रेडी हैं। जी सर। चलें जी। अच्छा, इमाम तिर्मिजी जब कहते हैं ना हदीसुन हसनुन सहीहुन, तो उसका मतलब क्या होता है? अब आप जरा पिछली जो हदीस हसन सही है ना उसको जरा अपने जहन से थोड़ा सा साइड में करके अब आपने इस पे जरा गौर करना है, ठीक है ना? असल प्रॉब्लम क्या है, इमाम तिर्मिजी एक टर्म बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वो कहते हैं ये हदीस हसन सही है, हसन सही है। अब जब हसन सही कह दिया, अब देखें हसन एक अलग कैटेगरी है, सही एक अलग कैटेगरी है। सही वो है जिसके अंदर पांच कंडीशंस पूरी होती हैं, और हसन वो है जिसके अंदर चार कंडीशंस पूरी होती हैं, पांचवी कंडीशंस के अंदर कमी वाकई हो जाती है। तो सवाल ये कि एक ही हदीस हसन कैसे हो सकती है और सही कैसे हो सकती है, ठीक है ना? या तो वो हसन है या सही है, ऐसा है कि नहीं है, बताइए जी। या तो सर मतलब वो चारों कंडीशंस भी पूरी हो रही है और वो पांचवी भी उसकी हो रही है उसके अंदर पूरी। जी क्या 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 आपके ख्याल में इसका क्या हो सकता है जवाब, क्या हो सकता है पांचवी कंडीशन भी, यानी आपको आपके ख्याल से क्या इसका यानी जवाब हो सकता है? वो डू यू थिंक कि क्या इसमें कोई ना कोई निस्बत आपको समझ, इससे पता चलेगा कि आपको सही और हसन की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये सर ये सही लिदाती ही और सही ली गई ही नहीं, नहीं हसन अभी हम सही, हसन जी हसन और सही कहा ना इमाम तिर्मिजी ने, तो इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक ही हदीस या हसन है या सही है, तो जी इमाम तिर्मिजी जब कहते हैं ये हदीस हसन सही है, दो टर्म्स को इकट्ठा इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सर मेरी समझ में तो यही आया कि उसमें सही मतलब थोड़ा तो जब्त का ही थोड़ा फर्क आ जाता है तो वो फिर उसको पसंद सही पता नहीं जैसे इसमें चलें जी, समझ आ रही। चलें माशाल्लाह, फिर बड़ी अच्छी बात आपने ट्राई किया। अच्छा अब देखे ना, इमाम ने हजर रहमतुल्लाह ने इसका जवाब दिया, तफसीलात हैं बहुत ज्यादा, मैं आपको ना मुख्तसर सा मोटा मोटा सा इसका वजाहत करता हूँ ताकि जो आपको समझ आ जाए। जब इमाम ने हजर रहमतुल्लाह, अच्छा अजीब मजे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमाम तिर्मिजी ने ना अपनी टर्म्स यूज करते हुए ज्यादा वजाहत भी नहीं की कि जी मेरी मतलब क्या है, इसे मुराद क्या है, ठीक है ना? लेकिन अब जाहिर है जामे तिर्मिजी एक बहुत अहम किताब है और इमाम तिर्मिजी एक बहुत बड़े इमाम है, तो हम उनकी इन टर्म्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह जो है ना वो जब हसन सही कहते हैं ना, तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हदीस है ना, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है कि इमाम तिर्मिजी को खुद तरद्दुद है, यानी उनको कंफर्म नहीं है, या तो ये हदीस उनके नजदीक सही लेवल की है या वो ये हसन लेवल की है, यानी वो खुद कहते हैं कि यार देखे ना, हर बंदा हर इमाम क्या करता है, एक हदीस को वेरीफाई करता है, असेस करता है, उसकी कंडीशंस को देखता है। अब वो कह रहा है कि यार मुझे लगता है ये हदीस सही दर्जे की है, या फिर उनको कहते हैं नहीं यार लेकिन मुझे लगता है हो सकता है कि ये हदीस हसन दर्जे की हो। क्या मतलब है? बहस किस पर हो रही है? एक रावी के ऊपर बहस हो रही है कि वो रावी जो है उसका जो जब्त है वो ज्यादा सही है या कम है, यानी उसका जब्त वाकई स्ट्रांग है या कम है। तो ऐन मुमकिन है कि इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह ने दो टर्म्स यूज किए हैं ना, उसकी वजह यह कि उनको तरद्दुद है, वो क्लियर नहीं है, उनको कंफ्यूजन है, लेकिन उनको ये पता ये हदीस सही है, उनको पता ये हदीस काबिल एतमाद है, लेकिन ये सही वाले दर्जे की काबिल एतमाद है या हसन वाले दर्जे की काबिल एतमाद है, इस पर उनको इस पर वो उनको क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों टर्म्स यूज कर लिए, चलो यार ये हसन सही है, यानी या तो ये हसन है या सही, यानी उन्होंने क्या कहा, हसन उन औ सही उन, ठीक है ना, हसन उन सही, इसका मतलब औ जो है ना और, दिस हदीस इज ईदर हसन और सही, तो उन्होंने और को दरमियान में स्किप करके सिर्फ आसान अल्फाज में हसन सही कह दिया। समझ आ गई, समझ आई है कि नहीं? जी सर जी ये कहना सर क्या सर पॉसिबल? नहीं समझ आई, जबरदस्त, नहीं आई चले बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया। देखें सही हदीस वो है जिसमें पांच कंडीशंस पूरी होती हैं, और हसन हदीस वो है जिसमें चार कंडीशंस, राइट? अच्छा अब इमाम
तिर्मिजी हसन भी कह रहे हैं और सही भी कह रहे हैं। अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इमाम तिर्मिजी को क्लैरिटी नहीं है कि ये हसन है ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक वक्त पे एक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में फर्क है ना। एक वो है जो पांच कंडीशंस को पूरी करती है, और एक जो है वो जो जनरली चार कंडीशंस को पूरा करती है, ऐसे ही है। तो अब ये जो हदीस है, इमाम तिर्मिजी जो है उनको असल में क्लैरिटी, देखिए बात याद, असल मसला ये है कि जो हसन और सही के अंदर ना ज्यादा फर्क नहीं होता। मैंने आपको बताया कि हसन और सही दोनों सही हदीस की यानी खबरें मकबूल की अकसाम है। खबरें मकबूल कहते हैं ऐसी हदीस जिसको हमने कबूल कर लिया, हम उसको कबूल ही कर रहे हैं, लेकिन अब उसका दर्जा सेहत वाला सही वाला है या हसन लेवल वाला है, इसमें इमाम तिर्मिजी को क्लैरिटी नहीं है। तो उन्होंने दोनों टर्म्स यूज करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह के सामने दो सनदें आ गई, एक सनद जो है वो सही में दर्जे की है, दूसरी हसन दर्जे की है, ठीक है ना। एक जो हदीस, एक ही हदीस है यानी टेक्स्ट एक है, लेकिन चेन्स ऑफ नरेशन जो हैं, जो बयान करने वाले, दो चेन चल रही हैं। एक चेन उनको मिली जो हसन दर्जे की है, दूसरे सही दर्जे की है। तो उन्होंने क्या किया कि ये हदीस हसन भी है और सही भी है। हल फहीम तुम वाला, समझ आ गई कि नहीं आई? दो पॉसिबिलिटी समझ आई है जी कि नहीं आई? जी सर, सिस्टर रोशान आप जरा समझाएं, क्या समझ आई आपको? सर इमाम तिर्मिजी की रीजन के उन्होंने इनको हसन और सही क्यों कहा? एक रीजन ये है कि या तो उनको खुद मतलब उनको इन चीजों की इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि आया वो हसन है या सही है, इसीलिए उन्होंने किसी हदीस को दोनों ही टाइटल दे दिए। दूसरी बात जबरदस्त, ये आपने की है कि इमाम के सामने दो सनदें आ गई, मतलब चेन ऑफ बिल्कुल, नरेशन उन्हें किसी और तरफ से भी मिल गई, जिसकी वजह से उन्होंने इसको कहा कि ये हसन भी है। कहीं इसी तरफ से वो हदीस जो है वो हसन दर्जे को पहुंची है, किसी तरफ से वो सही दर्जे को पहुंची है, जिस वजह से उन्होंने उसको दोनों नाम दे दिए। ठीक है, बिल्कुल सही किया आपने, ठीक है ना, आपने बिल्कुल सही समझा। एग्जैक्टली यही दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब जरा चीजों को और कम्प्लेक्स करते हैं, नेक्स्ट लेवल बढ़ाएं जी। अब इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह सिर्फ हसन सही नहीं कर रहे, बल्कि हसन गरीब भी कहते हैं। अच्छा, इसकी और भी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी हैं, लेकिन मैंने आपको बड़ी बेसिक चीजें बताई हैं, अभी उसमें और भी अकवाल और स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, ठीक जी। इमाम तिर्मिजी का कॉल हसन गरीब से मुराद क्या है? अब हसन और गरीब से मुराद क्या है, इमाम ने हजर रहिमहुल्लाह ने इसका जवाब दिया। वो कहते हैं हसन कैसे, अच्छा सबसे पहले बताएं हसन का तो बता लिया, गरीब हदीस आपको याद है, गरीब हदीस से मुराद क्या है, कोई बताएगा? हमने पढ़ी थी गरीब, वो बेचारी गरीब सी जिसके पास कोई पैसे नहीं है, जिसके सारे रावी गरीब होंगे ना, ऐसे ही है ना, सर बताइए। देखा जईफ हदीस, सर ना, रावी का मोतिफ में जबरदस्त, एक रावी, मुनज्जा सिस्टम, हाँ एग्जैक्टली, सिस्टम मुनज़्ज़ा ने सही कहा। गरीब हदीस याद है, मशहूर अजीज और गरीब, खबरे अहाद की, खबरे वाहिद की किस्में थी। खबरे मुतवातिर वो थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा रावी होते हैं, और खबरे वाहिद जो होती है वो होती है जो कि खबरे मुतवातिर की कंडीशंस को पूरा ना करे। और उन कंडीशन, उनकी तीन किस्में थी, एक मशहूर थी, ठीक है ना, जो तीन या उससे ज्यादा रावी हों लेकिन खबरे मुतवातिर तक ना पहुंचे, यानी खबरे मुतवातिर के लेवल तक ना पहुंचे। दूसरी ये थी खबरें अजीज जिसमें किसी भी तबके के अंदर दो रावी रह जाएं, और खबरें गरीब कौन सी थी जो कि किसी एक लेवल पर एक रावी रह जाए, ऐसे ही है ना, हमने पढ़ा था ना गरीब। तो अब इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह तआला अन्हु जब किसी हदीस को गरीब कहते हैं और हसन गरीब कहते हैं तो उसका मफहूम क्या है? इब्ने हजर रहिमहुल्लाह कहते हैं इसमें कोई मसला नहीं है। इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह एक तरफ उस हदीस की सेहत के बारे में बता रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी नंबर ऑफ रुवात है उसके हवाले से बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इब्ने हजर ने जवाब दिया कि इसका खुलासा यह है कि इमाम तिर्मिजी की खास इस्तेलाह को उस हदीस पर मामूल करेंगे जिसे इमाम साहब ने सिर्फ हसन कहा हो। उस हदीस पर इमाम साहब ने हसन गरीब का हुक्म लगाया तो हसन से मुराद जमहूर की इस्तेलाह होगी, और इनकी इस्तेलाह के मुताबिक हसन और गरीब को जमा करने में कोई तजाद नहीं है, ठीक है ना। गरीब क्या है? गरीब वो होती है जिसको एक बंदा रिवायत करने वाला हो, और हसन वो है जो कि हसन दर्जे की हो। तो कहते हैं इसमें कोई मसला नहीं है। हसन गरीब का मतलब ये है, इमाम तिर्मिजी ये कहना चाह रहे हैं कि इस हदीस को, ये हदीस गरीब है इन टर्म्स ऑफ रुवात, यानी रावी जो है एक किसी तबके के ऊपर, एक किसी तबके के ऊपर गरीब एक बंदा रह गया, ठीक है ना, एक बंदा रह गया, एक रावी रह गया। आपको पता है गरीब हदीस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि चेन ऑफ नरेशन के अंदर किसी एक लेवल के ऊपर, ठीक है ना, एक लेवल के ऊपर
अगर एक रावी रह जाए तो वो हदीस गरीब हो जाती है। अब मैंने उस वक्त ये आपको बार बार कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि हदीस जयीफ हो जाती है, ठीक है ना। मैंने कहा था हदीस जयीफ की बात नहीं हो रही, जयीफ वो होगी जो कंडीशंस पूरा ना करे। तो इमाम तिर्मिजी रहिमहुल्लाह ने जब इस हदीस को गरीब कहा तो इससे मुराद वो गरीब है जिसके अंदर किसी एक लेवल पर एक रावी रह गया, लेकिन डज नॉट मीन कि वो हदीस जयीफ है। वो तो नंबर ऑफ रुवात है, रुवात ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन जब इमाम ने इसको साथ हसन कह दिया तो हसन से मुराद असल में उसकी सेहत है। सेहत का मतलब क्या है, यानी सेहत का मतलब ये है कि वो किस लेवल की है, वो सही लेवल की है, सही गैरी के लेवल की है, या हसन लिजाती के लेवल की है, या हसन लिगैरी के लेवल की है। तो इमाम ने अगर इमाम तिरमिजी ने जब उसको हसन कह दिया तो इमाम तिरमिजी ने उसका हुक्म लगाया कि हदीस हसन है इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी, लेकिन एज कम्पेयर यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नरेटर्स ये हदीस गरीब है। तो इसमें कोई मसला ही नहीं। समझ आ गई कि नहीं आ गई, या जो आई थी वो भी चली गई? नो सर आ गई नो सर, आ गई है। क्या मतलब नहीं आई या आ गई है? नहीं, आपने कहा ना चली गई है तो इसलिए मैंने नो कहा। अच्छा, ठीक है जी ठीक है, यहां तक रहने दें आज के, और भी चलें आगे, काफी है इतना।